नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ आरती। रोजाना की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशि फल लेकर, जहां हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से गुजरने वाला है। बता दें आपको, राशि फल का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के भविष्य से जुड़ी कई जानकारी के बारे में जाना जा सकता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल में हमेशा बदलाव आता है, इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं हमेशा समान नहीं होती। आज 1 अक्टूबर मंगलवार का शुभ दिन है और आज हनुमान बाबा की कृपा से कुछ राशियों को लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आज का दिन आपके लिए कैसा है? आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशि फल में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के बारे में। बता दें आपको, आज मेष राशि वालों के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ अब आने वाली है। इनके जीवन में अब इन्हें ढेरों खुशियाँ देखने को मिल सकती है। हर तरफ से काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे जा रहे हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आज का दिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो बता दें, कामकाज को लेकर उत्साह बढ़ने की संभावना बनी हुई है। बाहर की यात्रा के योग बने हुए हैं, जिससे आपको लाभ हो सकता है। नौकरी में उन्नति होते हुए दिख रही है, कामयाबी मिल रही है, इसी के साथ प्रमोशन भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है, आर्थिक स्थितियां मजबूत हो रही हैं। कुछ ऐसी यात्रा भी हो सकती है जिससे आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, चाहे वो देश हो या विदेश। काम के संबंध में आपको लाभ ही लाभ होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आप जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा है, सामंजस्य की स्थितियां बनी हुई है। हर काम में आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। घर वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है, घर परिवार से सहयोग मिलने की वजह से आपको कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। सिंह राशि, आपका प्रयास आपको अच्छी दिशा की ओर ले जा रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका पद प्रमोशन होने के आपको अवसर मिलने वाले हैं। घर परिवार की स्थितियां अनुकूल रहने वाली है, समय के अनुसार गाड़ी घर की सुविधा भी आप लोगों को मिल सकती है। कन्या राशि, धन संपत्ति प्राप्ति के योग बने हुए हैं और आपके सगे संबंधियों से संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। राजनीतिक लाभ प्राप्त होने के अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप राजनीति से प्रभावित हैं तो आपको प्रयत्न जरूर करना चाहिए। अगर आगे बढ़ते हुए बात करें तुला राशि के बारे में, तो तुला राशि वाले लोगों को माता पिता के आशीर्वाद से सभी सुख सुविधाएँ अब मिलने वाली है। जीवन में उन्नति करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है, कुछ मांगलिक कार्य पूरे हो सकते हैं आने वाले समय में। साथ ही साथ किसी दूसरे पर भरोसा कर आंख बंद करके भरोसा ना करें। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलने वाली है। संतान पक्ष और प्रेम संबंध को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने वाली है। बाहर की यात्रा के योग बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो बता दें, शत्रु पक्ष काफी कमजोर रहने वाला है आपका। किसी तरह का कोई विवाद हो तो उसे समझाने का प्रयत्न करके उस मामले को उसी समय सुलझा ले। शत्रुओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अन्यथा आपको हानि झेलनी पड़ सकती है। चलिए अब जानते हैं मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो सकता है। स्थितियां सामान्य बनी हुई है, आप सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करें, जिससे आपको लाभ होगा। कुंभ राशि के बारे में अगर बताएं तो माता पिता की सेवा करें और
जीवन में कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व महसूस करें, माता पिता की वजह से आपको खुशियाँ मिल सकती है, घर परिवार में आपका कद बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास करते रहें ताकि आप दोनों की जो खटपट है वो बहुत जल्द ही खत्म हो जाए। चलिए अंत में बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। तो आज आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से कई काम सफल हो जाएंगे। आपकी स्मरण शक्ति भी तीव्र होती हुई दिख रही है। किसी भी काम को करने के लिए पहले उसके लिए योजना बनाएं ताकि वो काम अच्छे से पूरा हो सके। तो ये था आज का राशिफल।